ए टू जेड एक्सपेरिमेंट में स्वागत है। बढ़ते बढ़ते इस टेक्निकल युग में फोन की जो वीडियो क्वालिटी होती है वो भी दिनों दिन बढ़ रही है, और वीडियो क्वालिटी बढ़ने के साथ साथ जो फोन में स्लो मोशन करके जो ऐप आता है वो उसकी भी क्वालिटी दिनों दिन ही बढ़ रही है। और स्लो मोशन की बात की जाए तो फोन और DSLR में दोनों में काफी अच्छा लेवल का स्लो मोशन होता है, पर आज के इस वीडियो में भी हम DSLR वर्सेस फोन की जो स्लो मोशन क्वालिटी होती है वो एक ही चीज के साथ चेक करेंगे, फिर देखते हैं कौन की जीत होती है किसकी हार होती है। तो जल्दी से इस वीडियो को यार शुरू करते हैं। We are professional, please do not school, home and anywhere. तो यार स्लो मोशन की बात की जाए तो जिसका स्लो मोशन होगा वो चीज भी फास्ट होनी चाहिए। तो फास्ट की देखी जाए बात तो जो गाड़ी का पिछले वाला टायर होता है उसकी स्पीड तो यार काफी ज्यादा होती है। आज की इस वीडियो में भी हम जो उसके जो टायर की स्पीड होती है उसका स्लो मोशन बनाएंगे, फिर देखेंगे किसकी जीत होती है। यहाँ पे हमारे पास एक तरफ DSLR होगा, दूसरी तरफ मोबाइल होगा, और दोनों की स्लो मोशन क्वालिटी चेक करेंगे, फिर देखते हैं किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। और आज का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो भी इसी प्रकार होगा, और ये टायर ऐसे घूमेगा फिर देखते हैं कि होता है क्या। अब DSLR तो रेडी है वीडियो बनाने के लिए और मोबाइल भी रेडी है, तो 3-2-1 के साथ एक नंबर गियर डाल के फिर टायर को जोर से घुमाएंगे, फिर चेक करते हैं किसकी क्वालिटी होती है। और 1, 2, 3, 4 नंबर गियर में भी गाड़ी स्टार्ट होगी, लगभग 80 या 90 की लगभग गाड़ी स्पीड में होगी, फिर देखेंगे स्लो मोशन काम आता है या नहीं आता है यार। स्लो मोशन तो यार हो गया और आपने देखा ही होगा किस प्रकार का हुआ है। और हम अब करेंगे जो दिवाली फुलझड़ी क्रैकर्स होता है उसका स्लो मोशन। तो यार अब फुलझड़ी क्रैकर्स देखा वही तो हमने देखा। आपके हिसाब से किसकी जीत हुई है कमेंट में बता दे, जो सभी कमेंट अपनी राय देंगे आपकी भी राय जरूरी है। और यार हमारी बात की जाए तो जो क्वालिटी बात की जाए वो तो DSLR की जीत हो चुकी है क्वालिटी में, और स्लो मोशन की बात करें जो रियलमी का फोन है उसने जीत हासिल कर ही ली है।
आशा है कि वीडियो पसंद आई लाइक मारो यार। और अगर आपको भी ऐसे एक्सपेरिमेंट के वीडियो देखने पसंद आते चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर यार वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो यार जरूर कमेंट बॉक्स में बता दें, हम जरूर सुधार करेंगे। और यार मैं मिलता हूँ ऐसे किसी आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।